आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज, आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव। ये सच है कि इम्तिहान आपकी काबिलियत का पैमाना तय करते हैं और सवाल विषय पर आपकी पकड़ को, मगर जब सवाल पकड़ से छूटकर सोच को चुनौती देने लगे तो सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। यही हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी में एम भाषा के छात्रों के साथ। दो ऐसे प्रश्न पूछे गए, भाषा में सियासत आते ही छात्रों में मानो बवाल मच गया और राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी नहीं होने के कारण से छात्र उनसे बचते दिखे, लेकिन वो जरूर बच गए और राजनीति वालों ने इन सवालों को जरूर कैच कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि सब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस की पिछली सरकार को राजनीतिक चश्मे से लेकर के उनका सवाल बच्चों से पूछ रही है। एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि गहलोत की सरकार की समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अच्छे पहलू हैं, जो उन विकास के काम किए उनको बताइए। मतलब कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में छात्रों के अंदर ये शिक्षा के जरिए एक राजनीतिक जहर घोलने की कोशिश है। तो आज हम न्यूज इन व्यूज में इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में छात्रों की राजनीतिक सोच को जांचने की कोशिश थी या उनकी राजनीतिक सोच को बदलने की कोशिश की। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी है, उनसे मैं चर्चा शुरू करूं, उससे पहले देखते हैं ये न्यूज। पेपर एमए भाषा के चौथे सेमेस्टर का पेपर देने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र, सवालों को हल करते करते अचानक दिमाग ठिठक जाता है जैसे ही 15 और 16 नंबर का सवाल आता है। मुमकिन भी है क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे पूछे गए। सवाल नंबर 15, राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार के महत्व और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भाषा के पेपर में इन सवालों का ताल्लुक, छात्र तो क्या बड़े बड़े निकालने में नाकामयाब हो जाएं, तो हैरानी कतई नहीं होनी चाहिए। वो परीक्षा क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, वो क्या पूछती है क्या नहीं पूछती है ये उनका आउटलुक है, ये उनको देखने वाली बात है कि उनको किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। 200 SV से बात हुई है और 200 SV से ने कहा कि सर मैं निश्चित तौर से इनको आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं इनको सुन करके जो भी ये बता रहे हैं उसके हिसाब से, उस सिरे से हिसाब से, उस दृष्टि से मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। अब जरा सोचिए, जो पार्टी 1977 में महज 3 साल के लिए सरकार में रही, उसके महत्व और उपलब्धियों की मिसाल कहाँ से लाई जाए। छात्रों की असमंजस की स्थिति को दूसरा प्रश्न और बढ़ा देता है जब पिछली सरकार की उपलब्धियों की आलोचना का मुद्दा उठता है। इन दोनों सवालों के किसी भी तरह से पढ़ने पर भाषा से जुड़ी जरूरत महसूस नहीं हुई, लिहाजा छात्रों को भी लगने लगता है कि ये साजिश है। आज जो प्रकाश में आया है, जिस प्रकार के सवाल बनाए जा रहे हैं उसमें सीधा सीधा राजनीतिक द्वेषता की भावना दिखती है। इस प्रकार के उदाहरण अगर प्रकाश में आते चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति को पाठ्यक्रम में लाने की बहुत बड़ी भूल सरकार कर रही है, उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही है, इसका NSU छात्र संगठन पुरजोर विरोध करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आज विश्वविद्यालय पर हमारा जो प्रदर्शन किया है और हमारा यही मांग है कि माननीय कुलपति महोदय जो एक संभागीय आयुक्त है, सबसे पहले राज्यपाल महोदय से हमारी मांग है कि पिछले 6 माह से उन्हें यहाँ पर कार्यवाहक कुलपति लगाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ शिक्षा से जुड़े हुए किसी शिक्षाविद को आप VC लगाइए। छात्रों के गुस्से को अगर अलग रख कर देखें तो भी ये सवाल उठता है कि क्या प्रश्न किसी भूल का नतीजा है या फिर सोची समझी रणनीति के तहत डाले गए हैं। दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक है क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर का नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय की साख का भी है। वैसे भी राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी गड़बड़ियों को लेकर सुर्खियों में रहने का खासा आदि है, कभी परीक्षाओं में नकल तो कभी सोशल मीडिया में पेपर आउट होने का मामला, और तो और फर्जी परीक्षार्थी तक यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठ चुके हैं। इन सब के बाद भी विश्वविद्यालय ने दावे तो बहुत किए लेकिन सुधार के कोई कदम नहीं उठाए। ऐसे में पर्चों के इन सवाल पर बवाल तो मचना ही था क्योंकि गहलोत सरकार तो गई, उसकी उपलब्धियों की आलोचना युवाओं के कलम से किसका भला कर सकती है या इस प्रश्न के जवाबों से किसका फायदा हो सकता है, इस सवाल का जवाब सबको पता है। जयपुर से अदिति शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CBDR।
ठाकुर साहब, विश्वविद्यालय के छात्रों से ये पूछा जाए कि जनता पार्टी की सरकार का महत्व बताएं, अशोक गहलोत की सरकार की आलोचनात्मक समीक्षा करें, ये कैसे सवाल है? राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों से पूछे जाते तो कुछ हद तक समझ में आता, लेकिन भाषा विज्ञान एमए के विद्यार्थियों से ये पूछा जा रहा है, कहीं इसके पीछे राजनीति है या बच्चों को राजनीति की गुट पिलाने की कोशिश? चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ चार खास मेहमान होंगे। अर्चना शर्मा जी, ये प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं। श्याम सुंदर जी शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीएल मिश्रा जी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मुकेश दाधी साहब मेरे साथ होंगे। मैं चर्चा की शुरुआत श्याम सुंदर जी से करना चाहूंगा, क्योंकि पत्रकार से अच्छा राजनीतिक विवेचक और विश्लेषक होता नहीं है। श्याम जी, बड़ा अजीब सवाल है साहब कि राजस्थान की भाजपा सरकार का महत्व उपलब्धियां तो बताइए और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के सरकार की जो आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, क्या अर्थ बनता है इन चीजों से? पुरुषोत्तम जी, ये बात सही है कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। शिक्षा में सभी तरह के छात्र पढ़ते हैं विश्वविद्यालय में, किसी राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध होना नहीं चाहिए। अब आप जो जिस तरह का प्रश्न 15 और 16 आया है कि आप जनता पार्टी की तो महत्व बताइए और अशोक गहलोत की आलोचना तक दीजिए, तो कोई भी छात्र यदि है, अगर वो कांग्रेस समर्थित है, अगर वो नहीं लिखता है, गलत लिखता है, तो उसको नंबर मिलेंगे कम, और कोई वैसा है तो इस तरह की विवादपूर्ण स्थिति पैदा करने का अधिकार किसी भी शिक्षाविद को, पेपर बनाने वाले को तो होना भी नहीं चाहिए। उसको हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्षता दिखती नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, ये तो बात सही है कि ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल अपने आप में राजनीतिक तौर पर एक स्टेटमेंट ज्यादा है, प्रश्न कम, राजनीतिक स्टेटमेंट ज्यादा है। मुकेश दाधी साहब, छात्र नेता रहे हो आप, तो ये कौन सी गुटी पिला रहे हो बच्चों को? पुरुषोत्तम जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये जो प्रश्न आए हैं, पेपर सेटर की मानसिकता क्या रही है, क्या सोच के उन्होंने बनाया, लेकिन मैं समझता हूं कि मोटे तौर पे इस प्रकार के विषय जो है वो नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर कहीं अगर बात अपन करें तो अगर ये उल्टा होता तब क्या कांग्रेस के लोग इसको सही मानते? इसलिए मेरा ये कहना है कि पेपर को पेपर की दृष्टि से देखना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें जो विषय है वो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं इसमें एक राजनीतिक वो आती है। लेकिन ऑटोनोमस बॉडी में अगर किसी ने, ऑटोनोमस बॉडी में अपन बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की स्थिति में होती भी नहीं है सरकार के पार्ट के नाते से। सरकार ने बार बार ही अपनी ओर से कहा है कि भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई ना कोई विश्वविद्यालय पे होनी चाहिए, और उसके लिए बीजेपी की हमारी जो सरकार है वो सोच भी रही है, इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटीज, उनके लिए कोई ना कोई एक नियामक आयोग हो जो उनकी छात्र जो है, माना इस देश का वर्तमान का नागरिक है, राजनीतिक सोच होनी चाहिए। लेकिन वो राजनीतिक सोच अगर सरकारें सौंपने, अगर उनके ऊपर थोपने लगे तो वो गलत दिशा में जाता है। आजादी है यहाँ सबको अपनी तरीके से राजनीतिक सोच रखने की, लेकिन अगर विद्यार्थियों को आप सवाल के तौर पर अगर वो गुट पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो ये राजनीतिक दृष्टि से ठीक है, सरकार नहीं एथिकली इसको आप ठीक कह सकते पार्ट नहीं है। विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय, आप भी जानते हैं कि विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी एक वहां पर वीसी के तौर पे काम कर रहा हो, जहां की कमांड एंड कंट्रोल आप लोगों के हाथ में हो, वह आपके जो चहेते लोग हैं वही तो परीक्षा के अंदर सर्वेसर्वा बन जाते हैं, वही एग्जामिनेशन बन जाते हैं, वही पेपर सेटर बन जाते हैं। कांग्रेस के राज में कांग्रेस की चलती है, बीजेपी के राज में बीजेपी की चलती है। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से विषय जो आपने इसमें ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन कुल मिलाकर के अपन इसको एक राजनीतिक अंदाज से नहीं देखें तो पेपर सेटर को भी मोटे तौर पे राजनीतिक चश्मा पहन के पेपर नहीं बनाना चाहिए। उनको वही पेपर बनाना चाहिए तो छात्रों के लिए उपयोगी है, छात्रों को उपयोगी जानकारी। चलिए अर्चना जी को जोड़ता हूं, अर्चना जी उनका दिमाग में होगा कि ये विषय, क्योंकि उन्होंने आपके सरकार की अगर आलोचनात्मक समीक्षा अगर छात्र कर रहे हैं तो इस सारे मामले में राजनीति प्रदेश अध्यक्ष जी ढूंढ रहे हैं साहब, अगर ठीक किया होगा तो आलोचनात्मक समीक्षा के अंदर ठीक चीजें दे देंगे ना छात्र, इतनी भी क्या नाराजगी है? देखिए पुरुषोत्तम जी, प्रदेश अध्यक्ष जी इसमें कोई राजनीति नहीं ढूंढ रहे, राजनीति तो स्वतः ही पैदा की गई है। जब ये संज्ञान में आया तो पहले तो हास्यास्पद लगा, लेकिन हम हतप्रभ भी हुए
कि एक विश्वविद्यालय का पेपर, वो भी एमए प्रीवियस का, उसमें कितनी विडंबना है कि शिक्षक कोई विचारधारा विशेष से या तो प्रेरित है या चाटुकार है, और इस वजह से ऐसा प्रश्न ला दिया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जब कांग्रेसी क्या करते, खंडन करते इसका मुखर होकर के, क्योंकि हम शिक्षा के राजनीतिकरण में विश्वास नहीं करते। आप जाइए पुरस्कृत करिए उस शिक्षक को, होना यह चाहिए था कि आपके शिक्षा मंत्री के स्तर पर, उस शिक्षा मंत्री के स्तर पर एक वक्तव्य आता कि हम जांच करेंगे साजिश की, कि किसने इस तरह के हास्यास्पद प्रश्न और एक ऐसा प्रश्न जो युवा मन को और उसके दिमाग को विचलित कर रहा है, उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो कौन सी ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने आ गया जहां पर एक बायसिस के साथ प्रश्न रखा जाता है, जिसमें पूर्ववर्ती शासन की तो एनालिसिस करो क्रिटिकल, और वर्तमान शासन जिस पर हजारों भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अरे भाई ऐसा करो ना, वर्तमान की बात ही जनता पार्टी की कर लो, जनता पार्टी की बात है। 77 ये आप 5 साल तक आप राज में थे, आपने कुछ किया नहीं। 5 साल मथुरा आयोग बनाया आपने, बोल रही थी बीच में, नहीं बोल रही थी मैं। आप अनर्गल आरोप बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। आरोप नहीं लगा रही आप, आप प्रश्न का उत्तर है विश्वविद्यालय। आपने कहा कि हमारी कुल मिलाकर के मसला ये है कि सारे मामले में शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है और शिक्षा के माध्यम से राजनीति का गुट खिलाई जा रही है। बीएल मिश्रा जी, एक मिनट अर्चना जी, मैं बीएल मिश्रा जी को भी जोड़ लूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीएल मिश्रा जी, इस टाइप की शिक्षा तो बच्चे लेने कॉलेज में नहीं आ रहे ना साहब। पूरी साल तैयारी करके अगर उसके सामने अगर राजनीतिक सवाल आता भाषा विज्ञान के विद्यार्थी के सामने, तो उसके साथ भी बड़ा अन्याय है सर। जी जी जी, देखिए सर, मैं अभी अर्चना जी को भी सुन रहा था, दादी साहब को भी सुन रहा था। बरसों से ऐसा होता आया है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आप विद्यालय स्तर की शिक्षा को ले लें, चाहे कॉलेज लेवल की शिक्षा को ले लें, शिक्षा का सत्ता में रहने वाली जो भी पार्टी है, जो भी दल है, वो अपने हिसाब से निर्धारण करता है। सबको जैसे जैसे मौका मिलता है उसी प्रकार से शिक्षा को मोड़ने का ही प्रयास किया है। अब मेन प्रश्न ये उठता है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य का जो प्रश्न पत्र है, ये एक विशेष मुद्दा है। किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने से पहले कोई भी शिक्षक, चाहे वो कॉलेज स्तर पर हो, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, पाठ्यक्रम की विवेचना करता है कि हम जो प्रश्न दे रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है या नहीं। यदि वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है तो सरासर किसी पार्टी से को नुकसान हो या नहीं हो, किसी पार्टी को फायदा हो या नहीं हो, लेकिन विद्यार्थी को, छात्र को नुकसान हो रहा है साहब। मेरा विनम्र निवेदन यह है, बिल्कुल मेरा विनम्र निवेदन यह है, दादी साहब से भी निवेदन है, मेरा अर्चना जी से भी निवेदन है कि हम अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में इस बात को महसूस करें कि मैं एक विद्यार्थी हूं, और मेरे साथ अगर ऐसा होता तो क्या मैं इसको स्वीकार करता। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि बड़े विनम्र भाव से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय करने वाला व्यक्ति कौन जिम्मेदार है इसकी जांच हो, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। और उनके उनको रिलीफ क्या है, बड़ा सवाल ये है कि उनको रिलीफ क्या, सच्चाई एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आया जो कि आउट ऑफ कोर्स है, उन बच्चों के पास में अब रिलीफ क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी मार्किंग होने वाली है। मुकेश जी, उनके लिए तो कुछ सोचिए साहब, कुछ बोनस मार्क वगैरह देने वाले हो कि नहीं। मेरे दृष्टिकोण में, माफी चाहता हूं उत्तम जी, विषय सरकार के प्रसंग ज्ञान में इस पे कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि इस पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन मैं अर्चना जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल इनके सारे प्रवक्ता, सारे नेता, विषय चाहे किसी का भी चले, ले दे करके इनके पास विषय वही आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप गैसे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप गैसे, आप अगर गैसे हम गणेश पढ़ा दे तो भगवा करण होगा, आप गैसे गधा पढ़ाओ तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप आपत्ति कैसे, सर्वधर्म संभाव, आप गैसे गधा पढ़ाना चाहते हो, आप कहाँ ले जाना चाहते हो देश को, आप एजुकेशन में अनावश्यक जो सुधार होने चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप आपने आपने आते हो, उसके बाद आपने आप 5 साल पूरा इनका कांग्रेस वसुंधरा जी का जाप समाधान है। 5 साल इसमें भी चर्चा करेंगे, मुझे भी छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, और जब ब्रेक से लौटूंगा तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कच्ची पोज जो है, जो देश का भविष्य, जो युवा है, उनके अंदर इस प्रकार का जहर क्यों घोला जाता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक।
घरेलू आधा चक्की, इसमें गेहूँ चावल रवा और हर तरह के मसाले पीसे जा सकते हैं। हर घर का स्वाद और तंदुरुस्ती नवदीप घरेलू आटा चक्की। राजस्थान में सीकर अव्वल, सीकर में प्रिंस स्कूल अव्वल, द मेरिट फैक्ट्री, द परसेंटेज फैक्ट्री, यहाँ तो हर कोई विद्यार्थी 80% से अधिक अंक बना रहा है। राजस्थान बोर्ड में 21 राज्य स्तरीय मेरिट, 2 बार राजस्थान टॉपर, 12वीं साइंस 2015 में 12वीं एवं 15वीं राज्य स्तरीय मेरिट, 40 विद्यार्थी 90% से ऊपर, रिकॉर्ड 285 विद्यार्थी 80% से ऊपर, 10वीं में 17 विद्यार्थी 90% से ऊपर, 106 विद्यार्थी 80% से ऊपर, सेंट्रल एसी व नॉन एसी सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, संपर्क करें 9772755555। विष्णु HD प्लस मैक्सिमम HD चैनल्स इंक्लूडिंग डैड्स फेवरेट। तो वो इतने गुस्से में क्यों है? अरे बड़े वाला तो रेस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कार इंडिया आगे पीछे कब्दा रहता है खोता बता ले बच्चू। हब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। Own the bliss and fall in love. Try out. Savsol, world-class lubricants from Savina. Orissa Tourism, scenic, serene, sublime. Beauty Fair, सिर्फ रात में एक बार, खाना नहीं, चेहरे पे लगाना, और मेरी तरह चमकते रहना. Beauty Fair, अब लड़कों की निकल पड़ी. राजस्थान में सीकर अव्वल, सीकर में प्रिंस स्कूल अव्वल, द मेरिट फैक्ट्री, द परसेंटेज फैक्ट्री, यहाँ तो हर कोई विद्यार्थी 80% से अधिक अंक बना रहा है। राजस्थान बोर्ड में 21 राज्य स्तरीय मेरिट, 2 बार राजस्थान टॉपर, 12वीं साइंस 2015 में 12वीं एवं 15वीं राज्य स्तरीय मेरिट, 40 विद्यार्थी 90% से ऊपर, रिकॉर्ड 285 विद्यार्थी 80% से ऊपर, 10वीं में 17 विद्यार्थी 90% से ऊपर, 106 विद्यार्थी 80% से ऊपर, सेंट्रल एसी व नॉन एसी सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, संपर्क करें 9772755555। बीज तो लाना वेस्टन का, वेस्टन में छे वेस्टन बीजे साठ, वेस्टन 27 है नाम, अधिक मुनाफा और उपज, बोइए वेस्टन बीज तमाम। संशोधित हाइब्रिड एरंडी बीज वेस्टन 6, वेस्टन बीजे 66, वेस्टन 27। शिक्षा एक तरीके से राजनीतिक दलों के जो भविष्य है और उनकी जो आने वाली पौध है उसको तैयार करने की नर्सरी बन गई है, शिक्षा के जो क्षेत्र के, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे स्कूलें हों, और उसी तरीके से उन संस्थानों के राज के अनुसार राजनीतिक निर्णय लेते हैं प्रधान लोग, और उसके हिसाब से ही आगे पेपर और पूरा सिलेबस बनता है। मैं इस वापस चर्चा की शुरुआत बीएल मिश्रा जी से करना चाहूंगा। मिश्रा जी, क्या राजनीतिक दल अपनी आने वाली राजनीतिक पोत को और अपनी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए संस्थानों का उपयोग करते हैं क्या साहब? देखिए, शिक्षा का जो राजनीतिकरण है ये कोई आज की देन नहीं है, ये प्रारंभ से ही है। जब से मैं छोटा सा था तब से, जब हम, आप भी, आपने भी शिक्षा ग्रहण की, मैंने भी शिक्षा ग्रहण की, कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा के लोगों को शिक्षा में के पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहती है, अन्य कोई राजनीतिक दल है वो अपनी विचारधारा के लोगों को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहती है। अभी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो महात्मा गांधी जी को पढ़ते थे, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते थे, इंदिरा गांधी को पढ़ा, और वर्तमान में अभी एक नया मुद्दा आया है हेडगेवार जी का। तो राजनीतिक दृष्टि से जुड़े हुए चाहे कितने भी महापुरुष हों, महात्मा गांधी हों वो सम्मानीय हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो सम्मानीय हैं, इंदिरा गांधी जी हैं वो सम्मानीय हैं, हेडगेवार जी हैं वो सम्मानीय। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सारा ही गांधी परिवार पाया जा रहा है करके। हाँ, तो अब हेडगेवार जी को अगर उनकी जीवनी पढ़ाई जा रही है तो इसमें क्या बुराई है?
अगर उन्होंने भी देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छे विचार दिए ही होंगे, और अगर राजीव गांधी जी को हम पढ़ सकते हैं, इंदिरा गांधी जी को पढ़ सकते हैं, तो हेडगेवार जी को भी पढ़ने में हम लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक विचारधारा है, और कौन किसकी विचारधारा से प्रभावित होता है ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, एक हमेशा से रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से मुद्दों को निर्णित करती रही है, अपने तरीके से उस पर विचार करती रही है। अभी जब बात चली कि साहब अकबर का मामला, महाराणा प्रताप का मामला, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी, आप लोग भी उसको स्वीकार कीजिए ना साहब, कि आपके भी लोग मानते, हमारे भी मानते, सबको पढ़ना चाहिए जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं, और जो निर्णय है वो छात्र के ऊपर या उसको मानने वाले पे छोड़ देना चाहिए। क्यों एक ही विचार पढ़ाया जाए? पूरे पाठ्यक्रम एक ही विचार से भरे पड़े हैं। जब भाजपा आती है अपने तरीके से उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करती है तो वो सांप्रदायिक हो जाती है। देखिए पुरुषोत्तम जी, मिश्रा जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ, जब उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जिसने प्रश्न बनाया उसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं, ये एक कॉमन जो सिचुएशन बन रही है उस पर। लेकिन उन्होंने कहा कि सब हम महात्मा गांधी को पढ़ते हुए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक आ गए, तो भाई भारत के इतिहास को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन में किसकी भूमिका थी? जो पार्टी 80 के दशक में पैदा हुई हो उसको क्यों गुरेज होना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो पुरोधा पुरुष थे, जिन्होंने आंदोलन को चलाया, जो हमें स्वतंत्रता दिला के लाए, और उसके साथ ही राजीव गांधी जी के साथ में अगर अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ लिया जाए तो उसका ऐतराज क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम ये कहते हैं, देखिए पुरुषोत्तम जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, हम ये कहते हैं कि आप जब संवैधानिक पदों पर पहुंचते हैं, जब आप शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, तो आपको इसका कोई अधिकार नहीं मिलता कि आप सार्वजनिक मंचों को इस्तेमाल करें द्वेष की राजनीति को प्रतिपादित करने के लिए, इस युवा मन को, इस दिमाग को भ्रमित करने के लिए। आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया कि जो व्यवस्था चल रही है उसको और सुदृढ़ करिए, और सुरक्षात्मक उपाय बताइए, और उसकी तरक्की के उपाय बताइए। ये आपको किसने कहा कि आप एसी एप्पल को बदल के तो अनंत बताने लग जाएंगे? घर से गधा बोलते थे हम लोग, अब गणेश पढ़ाएंगे? किसने पढ़ा गधा? उन्होंने गधा पढ़ा हुआ, हमने तो घर से गमला और गाय पढ़ा। फिर आप कहते हैं साहब अकबर महान नहीं था, महाराणा प्रताप। किसने कहा कि महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा नहीं? प्रत्येक भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन कौन कहता है कि उस लड़ाई को जीवन पाठ्यक्रमों में चीज नजर आती नहीं है? चलिए मुझे कार्यक्रम खत्म करना, मैं एक बार शाम जी को जोड़ूंगा। शाम जी, अब आप मुकेश जी की बात, ये जो एक बड़ा स्वाभाविक तैयार होती है, ये होते विद्यालयों से और स्कूलों से है, तो हर दल कोशिश करता है कि हम हमारा इंजेक्शन बच्चों में डाल दें, और यह उसकी कोशिश मात्र है, वही प्रयास है जो कि अभी विश्वविद्यालय ने किया है। पुरुषोत्तम जी, ये बात तो ठीक है कि क्योंकि विश्वविद्यालय परिपक्व विद्यार्थी जाके पहुंचता है, क्योंकि वो जब तक स्कूलों में होता है तो उसका बुद्धि का स्तर वो नहीं होता, लेकिन जब विश्वविद्यालय में चला जाता है तो उसका स्तर सोचनीय हो जाता है, उसका देश के प्रति भी सोचना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक पार्टी अपने पोत को वहां पर परिपक्व होती देखना चाहती है। हर पार्टी चाहती है कि वहां पर, आप देखिएगा विश्वविद्यालय के जब चुनाव होते हैं तो उसमें बाकायदा एनएसयूआई का भी उम्मीदवार खड़ा होता है, तो विद्यार्थी परिषद का भी उम्मीदवार खड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति का क्षेत्र विश्वविद्यालय बनता है, लेकिन शिक्षा में राजनीति कर देना ये गलत होता है। अब आप तक क्वेश्चन पेपर और पाठ्यक्रम में मत लाइए, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। मुकेश दादी जी, मुझे तो जवाब आपसे चाहिए, ये जो पेपर सेटर था उसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? और जो बच्चों ने इन पेपर इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, या राजनीतिक द्वेष के कारण या राजनीतिक विचार के कारण से अगर वो परिणाम में अगर उनका प्रभावित होता है तो क्या उनको बोनस अंक देंगे क्या? इसका जवाब दे दीजिए। पुरुषोत्तम जी, मैं बीएल मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर सिलेबस में ये चीजें नहीं है तो निश्चित रूप से छात्रों को बोनस अंक मिलना चाहिए। है ही नहीं सिलेबस में, सिलेबस में मैं मेरी बात कर, सिलेबस में अगर नहीं है पेपर सेंटर जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच कराएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अर्चना जी को, मकसद भी यही था कि युवा इतना मैच्योर है कि उसे राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसे खुद को तय कर लेने दीजिए। आप पेपर्स के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक सोच बनाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छी बात है,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस मामले की जांच कराएगी और बच्चों के हितों का नुकसान नहीं होने देगी। आज न्यूज इंटरव्यूज में आप लोगों ने भाग लिया, अपने व्यूज रखे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़।